हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस, जैपनीज वर्सेस इंडियन आज करने वाले हैं, पंच वर्सेस ब्रेजा। ब्रेजा की बात कर लूँ, डीजल है भाई ये, DDIS लेजेंडरी इंजन जो आता था फिएट के द्वारा। और ये है भाई पंच पेट्रोल, पेट्रोल में ही आती है, पेट्रोल ही है भाई ये गाड़ी। मैनुअल है और ये है AMT। अरे ब्रेजा, तू अगर मैनुअल होती ना, मैं तेरे पे दावा लगा के तेरे पे स्टैम्प पेपर से कह देता कि तू ही जीतेगी। तू अब AMT हो गई ना, अब मेरे को तेरे पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि इसको चलाऊंगा मैं, ठीक है? तो ये देख लो भाई, मैनुअल, इसको मैं चलाऊंगा, इसको अपने सैलरी भाई चलाएंगे, देखते हैं क्या फ़र्क रहता है क्या नहीं। तो गाइज, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। जो ये है रोहन भाई, इनके चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। ये लो भाई, बड़े सॉलिड डोर हैं भाई साहब। पुरानी ब्रेजा भाई, पुरानी मारुति पुरानी रहेगी भाई। मतलब जो इसमें फील आती थी ना भाई, ओल्ड स्कूल भाई, मज़ेदार। और भाई यहाँ पे तो है ही आपके सामने 5 स्टार, ये देखो मज़ा। तो ओनर से मिलवाता हूँ आप लोगों को। रोहन भाई और वासु भाई, ओनर्स क्या लग रहा है? ब्रेजा भाई लग तो रहा है ब्रेजा, पर आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे लग रहा है 5000 में जाएगी, क्योंकि हमने नेक्सन और ब्रेजा की करी थी तो सिटी मोड में ही थी वो, तो अभी देख लिया सिटी मोड में पंच और नेक्सन का, तो भाई बराबर ही है, तो हो सकता है निकल जाए। चलो जी, देखते हैं। तो गाइज, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। जैपनीज वर्सेस इंडियन हो रहा है आज ये जो कंपटीशन है, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। ब्रेजा में कितना वेट होगा? 1200 और ये 1060 1035 200 किलो का फर्क है। तो यही चीज़ है गाइज, देखते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रेजा के काफ़ी फ़ैन हैं और पंच के भी भाई काफ़ी फ़ैन हैं, तो देखते हैं आज ब्रेजा जीतती है या पंच जीतती है। वीडियो में बने रहें, आप लोगों को मज़ा आएगा। रोहन भाई कह रहे थे कि इनिशियल में ये उठेगी लेकिन जीतेगी वो, लेकिन मैंने बोला था ना भाई, यज्ञ भाई का कॉन्फिडेंस मैं देखता हूँ ना, उस बेस पे मैंने बोला कि हाँ पंच ही जीतेगी। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक ले लिए हैं भाई हमने, तो पहले राउंड की विजेता रहती है ये। अब उसमें कोई दिक्कत हो नहीं सकती क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, बिल्कुल उसमें कोई भी शिफ्टिंग का कुछ दिक्कत हो ही नहीं सकती। फिर भी देखते हम हैं, फिर भी पूछ लेते हैं, पूछना फर्ज है हमारा। कोई दिक्कत से ना, मैनुअल वाले से तीसरा गियर लग गया, मैनुअल में तीसरा लग गया था। अच्छा चलो करते हैं, तो उसमें मैनुअल में तीसरा गियर लग गया था जो भाई बता। यहीं से करें, क्या करें, पूछो इनसे, यहीं से करनी है, यहां से, यहीं से। चलो तो भाई सेकेंड राउंड करते हैं, थोड़ा ट्रैक लंबा ले लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, ट्रैक लंबा ले लो, ठीक है इतना? बिल्कुल इतना ठीक है, और पीछे करने ठीक है ना? चलो सीट बेल्ट भी थोड़ा पहन लेते हैं। हाँ यार, पहन लेते हैं, ये फिर बोलती है ना टूटू। 3-2-1 करा देंगे अपने बॉक्सर भाई, बॉक्सर भाई उधर, तो 3-2-1 कराएंगे। चलो भाई, ओ नो अब निकल जाएगी भाई, अब ओ चल चल ये, अरे यार चल कुछ फर्क नहीं है यार, ये खड़ी अब तो निकलेगी भाई डीजल, अब निकलेगी। लेकिन नहीं यार, मेरे को तो भाई कुछ फर्क नहीं लग रहा यार, बहुत ज्यादा टक्कर नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा। अब तो भाई अब तो बनाएगी यार, क्या बात है भाई, मजा सा आ गया बहुत बढ़िया। चलो सेकंड राउंड की विनर जो है वो अपनी ब्रेजा ऐसा रहती है भाई। बाकी ये है कि टक्कर बहुत सही दी है यार, सही भाई, बहुत सही। अब सब कुछ ठीक था? अरे सब तो ठीक था, पंच कैसे जीत रही थी पहले में तो जीत गई ना यही कर लें, यही से कर लेते हैं। चलो अब ये थर्ड राउंड होने वाला है, ठीक है भाई, ये तो यही से कराओगे और बुरी आ रहेगी, यही से कराओगे तो और बुरी आ रहेगी, देख लो। मैं तो यही तभी तो बोल रहा हूं भाई, जैसे कहो भाई आपके आगे तो पंच चढ़ गई, आप रेस दोगे कैसे? अरे गैप था भाई, 80 पे आगे ले
चलो यहाँ से कर लेंगे, कोई नहीं, शीशा चढ़ा लो भाई, बीच में आओ, बीच में चलो हिमांशु भाई, बीच में इधर 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 आ जाओ, मैं कह रहा हूँ इधर आ जाओ फ्रेंड, हाँ हाँ यहीं पे, यहाँ से कराओ, चलो लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च ही नहीं हुई, अब की बार नहीं लॉन्च हुई भाई, लॉन्च सही से हो नहीं भाई, ये तो भाई तय है। अब की बार तरीके से लॉन्च ही नहीं हो भाई, एक तो भाई हिमांशु भाई इधर खड़े हुए थे ना, धुआं कितना फेंक रही है, धुआं बहुत फेंक रही है ब्रेजर। चलो भाई करते हैं यहाँ से लास्ट राउंड, ये लास्ट राउंड है और ये थर्ड में भी अपनी ब्रीजा जो विनर रही है, अब की बार लॉन्च नहीं हो पाई अच्छे से। अच्छा इसमें जो है लॉन्चिंग का ही सारा खेल है पंच में, हाँ इसमें सारा लॉन्चिंग का खेल है भाई, बड़े मुस्कुरा रहे हैं दोनों तो कोई नहीं अब ये करते हैं फाइनल राउंड, इसमें देखते हैं क्या होता है, स्माइल कंटिन्यू है भाई, ये लॉन्च नहीं हुई अब की बार, ये लॉन्च नहीं अच्छे से लॉन्च नहीं हुई, अरे नहीं ठीक है लास्ट राउंड करते हैं फाइनल, वो भाई आएगी क्यों नहीं आएगी, वो तो आएगी आएगी, चलो चलो, और ये लॉन्च तो भाई अच्छी खासी हुई, लेकिन यार ये क्या, चलो 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 बहुत बढ़िया, हाय 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 हाय, अब निकल जाएगी, अब तीसरे में 90 पे निकल रही है, 90 के बाद वो निकलती निकलती है, फिर यार डीजल कहीं ना कहीं तो दिखाएगा ना, मैं डीजल हूँ लेकिन गैप अब की बार भाई कुछ गैप नहीं है, बहुत मामूली है, जबकि वो डीजल ब्रेक ले लिया इन लोगों ने, चलो भाई एंडिंग करते हैं, फिर से इज्जत पंच ले गई भाई रेस ना लेके जाए इज्जत लेके जा, इज्जत तो लेके जा रही है, क्या कह रहे हो सैलरी भाई, क्या हो गया, भाई इंजन हीट हो गया इसका, लाइट आई है, हाँ दिखाओ एसेसरी पे डाल के दिखाना, तो रोहन भाई ये बोनट क्यों ओपन कर दिया है भाई साहब, इंजन हीट हो गया इसका, इंजन हीट हो गया अभी सर्विस भी कराई है मैंने तो 10 दिन पहले, दिखाना कौन सी लाइट आई है, मतलब देखा जैसे हमने, अब तो कम हो गया एकदम से, जब चला रहा था ना तो इंजन हीट हो गया था, रेड लाइट आ गई थी ऊपर, वीडियो में मैंने डाल दिया मैंने अपनी, हाँ मुझे क्लिप दे देना, ठीक है ये देख लो भाई, यही कुछ वीडियो थी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पंच के जो ओनर्स हैं या पंच को जो पसंद करते हैं या पंच जो लेने वाले हैं या एक्स ओनर्स हैं, कुछ भी पंच से जो भी रिलेटेड है बंदा, भाई आपकी इज्जत इस गाड़ी ने आज भी पूरी रखी है, और भाई ब्रेजा जो DDIS आया करती थी वो आई अल्टीमेट है ही भाई, तो है ही, तो यही कुछ वीडियो थी, वीडियो देख लो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, आपने इंजन भी हीट हो गया इसका, ये भी दिखा दो, इंजन हीट मार गया भाई इसका इंजन हीट हो गया भाई इसका ब्रेजा का, देख लो ये देखो माथुरी हो माथुरी ये भी सही था यार, ये भी सही था, याद आ रही है भाई को मार, अरे तुम नाम बदलो यार, सुजुकी से करवाई थी भाई ये गाड़ी सर्विस, कितने दिन हो गए, 15 दिन भी नहीं हुए, और इन अनाड़ियों ने देखो भाई कूलेंट ये रहा फुल का इंडिकेशन, ये देखो ये रहा, और ये कूलेंट देखो कहाँ तक भर रखा है, देख लो जो कहते हैं कि मारुति की सर्विस बहुत अच्छी है, अरे यार अब मैं बोलूं वीडियो में, और ये सर्दियों का मौसम है जब टेम्परेचर हो रहा होगा 10-11, अभी 10-11 ही होगा, और ये दिल्ली जैसे शहर में टेम्परेचर 50 भी चला जाता है, तो सोच लो भाई ये गाड़ी हीट नहीं मारी, अनपढ़ भर रखे हैं क्या तुमने, मैं खोल के नहीं दिखा सकता अभी, क्यों सारा बाहर आ जाएगा, और ये देख लो इतना तो यार कोई बच्चा भी बता देगा कि फुल का कितना होता है, और कूलेंट कम में भी नुकसान इतना नहीं है जितना ज्यादा में नुकसान है, अगर इतना कम भी होता ना तो हाँ, भी कोई, तो भी कोई नहीं दिक्कत नहीं थी क्या यार, ऐसे ही साले, चलो कोई नहीं, ये मेरे को आपको बताना था, वीडियो तो एंड हो चुकी है लेकिन ये चीज बतानी थी, जब बोनट खोला तो अचानक से नजर इस पे गई, मैंने कहा सैलरी भाई कूलेंट का तो चक्कर नहीं है, ये अपनी गाड़ी का ही तो नहीं कुछ है, नहीं चलो तो यही थी गाइस, ये देख लो आप ये काम हो जाते हैं मारुति में, फिर तो महिंद्रा टाटा वैसे ही बदनाम है, अरे और तो सब ऐसी भाई 12-12 हज़ार भी सर्विस होती है, क्या यार मारुति में कराओ, ये तो ऑथराइज से कराइए तो जाके 7500 रुपए की कराई है, देख लो भाई फुल कहाँ पर है, और वरना मैं तो गाजियाबाद में कराता था 4-5 हज़ार में, इतनी बढ़िया सर्विस होती है, आज तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी लोकल वर्क, चलो अब इसको कल अर्ली इन द मॉर्निंग ना इसे कूलेंट कम कर लेना खुद ही, अभी जाके कर दूंगा, हाँ चलो ठीक है गाइस करते हैं एंड।